टू माय चैनल आज मैं आपके लिए जीरो से एक साल तक के बच्चे के लिए बेबी शूज लाई हूँ ये देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये बेबी शूज मैंने यहाँ पर टू कलर का बनाया हुआ है आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं या मल्टी कलर का भी बना सकते हैं ये मैंने इसमें पोम या छल्ले बनाए हुए हैं देखिए इस तरह से मैंने ये डबल कलर का बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा लगता है इसमें मैंने यहाँ पर मैंने फोल्ड नहीं किया है और ये देखिए इस तरह से मैंने डोरी डालने के लिए बनाया हुआ है ये ये बेबी शूज में मैंने जहाँ से ये चोटी बंद की है वहाँ से मैंने इस तरह से थोड़ा और बुनकर ये पलट कर सिलाई लगाई है इसके बाद में मैंने ये डोरी डाली हुई यहाँ पर मैंने इसमें जाली बनाकर इस तरह से डोरी डाली हुई है तो आइए देख लेते हैं कि ये बेबी शूज हम किस तरह से बनाना शुरू करेंगे देखिए सिलाई में मैंने फिफ्टी वन स्टिचेस डाल लिए हैं अब आगे देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई बुनेंगे दोनों साइड में हम इसी तरह से सिलाई बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई बनाते हुए चलेंगे ये देखिए हमने ट्वेल्थ सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमारी सिक्स रो राइट साइड में है और रॉन्ग साइड में भी सिक्स रो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से हमने बना लिए अब यहाँ पर देखिए हम रॉन्ग साइड की रो में है ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड में है तो हम रॉन्ग साइड से राइट साइड को बुनेंगे यहाँ पर हम सेकेंड कलर जो भी लगाना है ये दो कलर से हम बनाएंगे तो सेकेंड कलर जो लगाएंगे उसे हम ऐड कर लेंगे सेकेंड कलर मैंने लगा लिया है अब यहाँ पर हम राइट साइड को छल्ले बनाएंगे रॉन्ग साइड की सिलाई में है हम तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम बुनेंगे जो हम सेकेंड कलर लगाएंगे वो इस तरह से पकड़ लेंगे सिलाई मारी इस तरह से ऐड करेंगे और ये वाली फिंगर एक फिंगर की मदद से हम छल्ले बनाएंगे ये देखिए टू थ्री फोर फोर बार हम घुमाएंगे फिंगर में और इस तरह से उतार कर फंदा बुन देंगे फिर से हम इस तरह से सिलाई को लेंगे धागा हमारा इस तरह से रहेगा फंदा में इस तरह से सिलाई को कर लेंगे और ये हम वन टू थ्री फोर चार बार घुमाकर इस तरह से हम उतारेंगे एक फंदे से इस तरह से निकाल लेंगे ये देखिए हमारे इस तरह से छल्ले बनेंगे वन टू थ्री आप चाहें तो फोर बार घुमाकर फोर बार छल्ले इस तरह से बना सकते हैं वन टू थ्री फोर फिर से सिलाई को हम इस तरह से लेंगे और ये फिंगर की मदद से हम छल्ला इस तरह से बनाएंगे पिछले वीडियो में जो मैंने आपको ये कैप बताई थी इसमें मैंने दो फिंगर की मदद से छल्ले बनाए हुए थे इसमें मैंने एक फिंगर की मदद से छल्ले बनाए हुए हैं उसमें मैंने इस तरह से दो फिंगर लगाकर तब इस तरह से छल्ले बनाए हुए थे अब यहां पर देखिए मैंने एक फिंगर की मदद से बनाया है तो ये छोटे से छिले बन रहे हैं इसी तरह से हम पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए इस तरह से हमने सारे छल्ले इस तरह से बना लिए हैं बाकी के बचे हुए फंदों में हम इस तरह से छल्ले बना लेंगे वन टू थ्री फोर फोर बार घुमाकर हम इस तरह से फंदे से सलाई के फंदे निकाल लेंगे इस तरह से ये देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है अब हम राइट साइड में आते हैं धागा मारा ये वाला इस साइड छूटता है छल्ले बनाकर हमने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है ये देखिए अब यहाँ पर जो मैंने ये रो बनाई है जिस रो में मैंने तो वो आप वाइट से बना सकते हैं मैंने यहाँ पर इसी तरह से बनाया हुआ है ताकि ये दूर से दिखते हैं फंदे एक फंदे में छल्ले बनाए हुए हैं तो ये चार राउंड का छल्ला बना हुआ है हमारा यानी कि एक फंदा यही हमारा तो हम इसे एक ही फंदे बुनेंगे इस तरह से एक फंदे में हमने जो राउंड बनाकर छल्ला बनाया हुआ है इस तरह से हमें एक ही फंदा बुनना है इस तरह से इस तरह से बनाएंगे ये देखिए हमें इस सिलाई में आधे आधे फंदे करने हैं यानी चौबीस फंदे हमारे इस साइड रहेंगे ये हमारे फिफ्टी वन फंदे थे तो यहाँ पर हमारे ट्वेंटी फोर फंदे रहेंगे और इस साइड में ट्वेंटी फोर फंदे रहेंगे जो बीच के थ्री फंदे बचेंगे ये हमारे थ्री फंदे हैं इसमें मैं चोटी बनाऊंगी तो देखिए ये फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे यहाँ पर हमारे पच्चीस फंदे हो गए और यहाँ पर छब्बीस फंदे हैं अब आप देखिए इसे ये हमारा बीच का फंदा है एक फंदा हम और बुनेंगे इस तरह से अब इन तीनों पंदों को हम इस तरह से ले लेंगे इस सिलाई में और जो ये तीसरा फंदा है इस पंदे को हम इस सिलाई में लेंगे और ये फंदा हम इस सिलाई में लेंगे यानी फिर हमें यहाँ पर चोटी बनानी है और ये वाला फंदा जो हमारा बचा है बीच का ये फंदा जो हमारा है ये बीच का ये हम इस तरह से तीनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे ये तीन फंदे हमने चढ़ा लिए एक फंदा हमने इस साइड का फंदा इस साइड में कर दिया ये वाला फंदा इस साइड में कर दिया और ये बीच वाला जो फंदा था हमने बीच में चढ़ा दिया है इसे हम सीधा करके तीनों फंदे बुनेंगे एक साथ इस तरह से ये देखिए तीन फंदे हमने एक साथ बुन दिए अब आगे के सारे फंदे एक एक करके बुन लेंगे ये देखिए इस तरह से हमारी सलाई कंप्लीट होती है यहाँ पर मैंने चोटी बनाई है वो अलग से दिखने लग गई है और ये वाले फंदे जो हमने छल्ले बनाए हुए हैं वो इन्हें थोड़ा सा इस तरह से बल देकर खींच लेंगे इस तरह से बुनने में ये अंदर चले गए हैं इस तरह से खींचकर हम बाहर को निकाल लेंगे ये देखिए इस तरह से ये पंदे हमारे सीधे हो चुके हैं अब हम आते हैं रॉन्ग साइड की रो में तो आप चाहें तो इसे एक कलर से भी बना सकते हैं मैं यहां पर दो कलर से बनाऊंगी तो यहाँ पर हमने ऊन चेंज कर दिए ये रॉन्ग साइड इस तरह से बनकर आएगी चोटी तक ये जहां पर मैंने ये चोटी का फंदा बनाया है यहां तक हम बना लेंगे ये देखिए हमारा चोटी का फंदा अलग से दिखाई दे रहा है इसमें मैंने तीन फंदे बुने थे एक साथ अब ये देखिए ये फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे रॉन्ग साइड की रो में जो चोटी वाला फंदा है वो हमें उतार लेना है ये देखिए मैंने उतार लिया अब हम आते हैं राइट साइड की रो में साइड का फंदा उतार लेंगे इस तरह से सीधे फंदा बुनेंगे ये देखिए यहाँ पर हमारे जो हमने फंदा उतारा था रॉन्ग साइड में चोटी वाला फंदा ये हमारा ये बीच का है एक फंदा ये एक फंदा ये यानी कि ये तीसरा वाला फंदा हम इस तरह से पकड़ेंगे इस सलाई में ले लेंगे और ये वाला फंदा हम इस सलाई में लेंगे इस तरह से और ये वाला बीच का जो फंदा हमारा चोटी वाला फंदा है ये हम इस तरह से ऊपर इसके निकाल देंगे अब इन तीनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे तीन फंदे हमारे एक साथ बुने जाएंगे इससे हमारी चोटी बनेगी इस तरह से यहाँ पर एक एक फंदा घटता हुआ जाएगा राइट साइड में एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से और बीच का जो फंदा है वो हम ऊपर चढ़ाकर इस तरह से तीन यहाँ पर दो फंदे घटेंगे तरह से बुन लेंगे अब हम आते हैं रॉन्ग साइड की रो में दो सिलाई हमारी पिंक कलर से हो चुकी हैं तो हम व्हाइट कलर लगाएंगे फंदे हम व्हाइट कलर से बनाते हुए चोटी वाले फंदे के पास आ चुके हैं तो चोटी वाला फंदा हम उतार लेंगे इस फंदे को हमें उतारना नहीं भूलना है इसे ध्यान से उतार लेना है और ये सारे फंदे हम फिर से इस तरह से बुन लेंगे अब हम आते हैं राइट साइड की रो में ये देखिए हमारी चोटी इस तरह से दिखने लग गई है बाकी के सारे फंदे हमारे सिंपल इस तरह से सीधे सीधे से दिखाई दे रहे हैं ये चोटी वाला फंदा हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है जो हम फंदा उतार लेते हैं तो ये इस तरह से लंबाई में चोटी वाला फंदा आ जाता है राइट साइड की रो देखिए साइड का फंदा उतारेंगे ये फंदे हम इस तरह से बुनते हुए चोटी फंदे के पास चलेंगे यहाँ पर देखिए हम चोटी वाले फंदे के पास में आ चुके हैं यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है एक फंदा ये दोनों फंदे हमारे एक एक साइड के जो हमारा इस साइड में एक फंदा रहेगा एक इस साइड में फंदा रहेगा ये हमारा चोटी वाला फंदा है आप चाहें तो इसे किसी और भी सलाई में या अब यहाँ पर देखिए दो फंदों को हम इस तरह से बदल लेंगे ये फंदा हम इस तरह से ले आएंगे और ये वाला फंदा हम इस साइड में इसी सलाई में चढ़ा देंगे और ये जो फंदा हमारा है उसे हम इस तरह से चढ़ा देंगे अब इन तीनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे यानी हमारे दोनों साइड से एक एक फंदा घट चुका है और हमारी चोटी बन चुकी है बाकी के इस तरह से फंदे बुनेंगे इस अब यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड में हमारा ये फंदा उतरता चला जाएगा और इसे हम बनाते जाएंगे जब तक बेबी के पैर के बराबर हो जाएगा हम बनाना बंद कर देंगे तो हम बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपको ये ध्यान रखना है रॉन्ग साइड में ये फंदा उतार लेना है और राइट साइड में एक एक फंदा लेफ़्ट राइट करके और ये फंदा हमारा बीच में लाना है फिर बुन देना है तीनों फंदों को इसी तरह से हम बनाकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए मैंने इस तरह से अट्ठारह सलाई बना ली है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन सलाई हमने इस तरह से बना ली है और ये देखिए हमारी चोटी इस तरह से बनकर आई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये जो हमारा फंदा है ये नाइन फंदा है ये देखिए इस तरह से दिख रही है और ये जो मैंने ये इस तरह से बनाई थी यहाँ पर हमारी चोटी बंद हो चुकी है और ये फंदे हमने इस तरह से बुने हैं फिर डबल करके हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है और ये बीच में मैंने ये इस तरह से डोरी डाली हुई है तो इसी तरह से ये देख लीजिए आप अगर डबल बनाना चाहते हैं इस तरह से तो आप थोड़ा सा और बुन लीजिए आठ से नौ सिलाई और फिर इसे फोल्ड कर दीजिए यहाँ पर मैं इसमें फोल्ड करने वाला नहीं लगाऊंगी यहाँ पर हम जाली बनाएंगे और जाली में ही इस तरह की डोरी डालेंगे तो यहाँ पर हमने अट्ठारह सलाई बना ली है और यहाँ पर हमारे फंदे सोलह सोलह फंदे बचे हैं यानी सिक्सटीन फंदे बचे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और सिक्सटीन फंदे हमारे इस साइड हैं और बीच का हमारा ये फंदा जो चोटी का है तो अब देखिए इस तरह से बेबी के पैर के लिए हो चुका है तो अब यहाँ पर हम सीधी सिलाई में हम यहाँ पर जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए और ये हमारी बेबी के पैर के बराबर बन चुका है साइड का फंदा उतार लिया ये दो फंदे हमने इस तरह से बुन लिए अब यहाँ पर देखिए धागा घुमाएंगे फंदा इस तरह से घुमा लेंगे दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से ये हमारी जाली कटेगी फिर से हम एक फंदा बुन लेंगे ये हमने दो फंदे लिए। अब यहां पर हम फिर से धागा घुमाएंगे, दो फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरह से, फिर से फिर दो फंदे बुनेंगे धागा घुमाएंगे दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से फिर से दो फंदे बुन लेंगे अब यहां पर देखिए धागा घुमाएंगे इस तरह से दो पंदे का हम एक फंदा बना लेंगे ये फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे ये दो पंदे का हम एक फंदा कर लेंगे यहां पर धागा घुमाएंगे दो पंदे का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे बुनेंगे फिर सिर्फ धागा घुमाकर दो फंदे का एक फंदा कर लेंगे साइड का फंदा उतारेंगे अब तो यहाँ पर हमारी वाइट वाली गुन चलेगी इस तरह से जाली वाले फंदे को भी हमें एक ही फंदा बुनना है ये हमारा जाली वाला फंदा है हमें इसे इस तरह से बुन लेना है जिस तरह से जाली कटेगी अब आती है हमारी राइट साइड की रो साइड का फंदा उतारते हुए ये सलाई हम इस तरह से सीधी उतारेंगे ये देखिए इस तरह से हमारी जाली कटी हुई है यहां पर हम डोरी डालेंगे रॉन्ग साइड की सलाई में हम फंदे उतारेंगे दो पंदे का एक पंदा बनाएंगे इस तरह से फिर से सिलाई में पंदा ले लेंगे फिर दो पंदे का एक पंदा बनाएंगे सिलाई में फिर से पंदा ले लिया दो पंदे का एक पंदा बनाते हुए चलेंगे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बेबी शूज बनकर कंप्लीट हो चुका है अब देखिए यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बैक साइड से हम सिलाई लगाएंगे ये देखिए हमने लंबा धागा कट किया है अब यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से हम ये बंद करके सिलाई लगाएंगे देखिए सिलकर हमारा सूज तैयार हो चुका है देखिये हम इसे पलट लेंगे देखिए हम डोरी बनाएंगे ये जो हमारी चोटी कटी हुई है इस साइड में हमारी जाली है तो जाली के हम इस तरह से ले जाएंगे जाली में बनाकर अब हम मैंने कट कर लेंगे आप चाहें तो इसे ढीला या टाइट करके बेबी के पैर में इस तरह से बांध भी सकते हैं गांठ लगाकर देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद